हेलो एवरीवन, द एनडीबीस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हो गाइज आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं फिर से कहाँ पहुँची हूँ। तो गाइज आज मैं पहुँची हूँ रामेन खाने, और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट काफ़ी फुल दिख रहा है, यानी कि काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे जैसे कि मैं बोली रही, इससे पहले ब्लॉग में बोला ही था मैंने कि जब कोई रेस्टोरेंट या कुछ ज़्यादा चलती है तो यहाँ पे घंटों वेट करने के लिए लोग मतलब तैयार रहते हैं, जैसे कि हम भी तैयार हैं। अभी वेट करें, आधा घंटा तो हमें हो चुका है। तो हमें खाना था रामेन ही, इसलिए हम वेट करने लिए तैयार थे। तो फाइनली हमारा नंबर आ चुका है और हम जो है क्या, तो गाइस जो ये रामेन रेस्टोरेंट है ये है इचकाइची में, और हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरह आप देख सकते हो कितना फुल भरा पड़ा है। और जैपनीज स्टाइल के रेस्टोरेंट इस तरह नीचे बैठने के भी होते हैं, अक्सर ऐसे ही होते हैं, और चेयर भी होती हैं इस तरह। तो मोस्टली जो मैंने अभी तक मतलब अगर किसी बड़े रेस्टोरेंट में गई हूँ तो ऐसे नीचे बैठने के लिए। तो फाइनली गाइज हम लोग बैठ चुके हैं, और विधु को भी, आज विधु की मम्मी नहीं है हमारे साथ, तो विधु अपने पापा के साथ। तो ये सारे और उसको बोलो ये खाना है। उधर काम बोल रही है, दादा को बोल, दादा ये खाना है। खतरनाक मेन्यू है। मैं खा लूं। वाह, इसको क्या बना रखा है ये? इसको टेस्ट पे लगाऊं यहां पे? हमारे पास एक्स्ट्रा डाल रखे अंडे। क्या विधा? ये खाना है? ये खाना है? हाँ, आज का रामेन तो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बढ़िया है, खराई वाला है, तो इसका कलर से ही पता चल रहा है कि ये खराई वाला है। टिश्यू पेपर बीच में रख दिया। ये है खरागे पकौड़े। एक और चीज़ खा लो। क्या? चलो भाई खा लिया तुम लोगों ने। दोनों का गाइस फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को आखिर तक।